टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड वर्सेज बीटीसी मामले की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे सभी अभ्यर्थी टेस्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है परीक्षा बंधन सेल। 28 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक ये सेल रहेगी और इसमें जो प्राइस है वो बहुत कम कर दिए गए हैं। 399 रुपए वाला जो ईयरली पास था वो अब मात्र 269 रुपए का कर दिया गया है और जो टेस्ट बुक का जो पास प्रो था 699 रुपए वाला वो मात्र 559 रुपए कर दिया गया है। वो भी अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे TWP यानी टारगेट विद बीएस परिहार तो आप लोगों को 10% की छूट भी मिल जाएगी। टेस्ट बुक के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ये भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म है जिसमें लगभग 16 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। 700 से ज्यादा भर्तियों के 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। 12 भाषाओं में इसमें मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। रेलवे, बैंक, UPSC, UPSC शिक्षक भर्तियां, TET सारे के सारे मॉक टेस्ट इसमें उपलब्ध है। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है तो आप लोग जाकर के आज ही इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं बीएड वर्सेज बीटीसी मामले की। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था राजस्थान के मामले को लेकर के, जिसमें यह कहा था कि बीएड के जो शिक्षक हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के योग्य नहीं है और 28 जून 2018 के गजट को क्वेश्चन कर दिया था। और उसी क्रम में बहुत सारी जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने भी वहाँ की शिक्षक भर्तियों से जो बीएड के विद्यार्थी हैं उनको बाहर करना शुरू कर दिया। मामला था कि विद्यार्थी चले गए थे हाई कोर्ट, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला हो, चाहे वो उड़ीसा का मामला हो, मध्य प्रदेश में भी गए तो वहाँ पर सुनवाई अभी होनी है 14 सितंबर को। और सबसे ज्यादा जो समस्या थी, चूंकि कुछ इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं था कि पुरानी भर्तियां जो कंप्लीट हो चुकी हैं और जो भर्तियां इस समय चल रही हैं उनका क्या होगा, इसी क्रम में विद्यार्थी जो बीटीसी के जो विद्यार्थी हैं या डीएलएड के विद्यार्थी हैं जो भी हैं ये सारे विद्यार्थी बीएड छात्रों को बाहर करने के लिए अलग अलग हाईकोर्ट में याचिकाएं इन्होंने दायर कर दी। उसी क्रम में छत्तीसगढ़ में भी मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने वहां की काउंसलिंग से बीएड के छात्रों को बाहर कर दिया। और उसी क्रम में आप लोगों ने भी ये देखा होगा, मैंने भी ये वीडियो बनाया था कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में बीएड उपाधिधारकों के चयन की प्रक्रिया को पृथक रखा गया है तो बीएड के छात्रों को बाहर कर दिया गया था। ये देखिए ये पुरानी जो भर्ती है जो निकली हुई थी और इसकी काउंसलिंग शायद 30 तारीख से होनी है। ये देखिए इसकी ये जो काउंसलिंग है वो 23 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक होनी थी, यानी कि इसकी 30 अगस्त लास्ट डेट थी और नया कट ऑफ जारी किया था और बीएड के छात्रों को बाहर कर दिया था। इसी क्रम में विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई बीएड के विद्यार्थियों को जिनको निकाला गया था छत्तीसगढ़ के शिक्षक भर्ती से। सुनिए आज क्या हुआ, बीएड के अभ्यर्थियों के वकीलों ने क्या बताया है। आज 29 अगस्त 2023 को ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में लगा था। ये जो इशू है ये जितने भी छत्तीसगढ़ में जो बीएड स्टूडेंट का ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का 2023 में, अभी जजमेंट जो आया है उस जजमेंट में 2028 का जो नोटिफिकेशन था सुप्रीम कोर्ट ने उसको अल्ट्रावायरस कर दिया, क्वेश कर दिया, तो इसका असर पूरे भारत को पड़ा है। और हम जो आज अपेयर हुए थे वो छत्तीसगढ़ स्टेट के जो बीएड स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से अपेयर हुए थे। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में जो नोटिफिकेशन निकाला था 2023 में, उस नोटिफिकेशन में कुछ लोगों ने वो हाईकोर्ट में चैलेंज किया था कि बीएड स्टूडेंट को काउंसलिंग में आप मत बैठाइए, काउंसलिंग में अलाउ मत करिए, तो हाईकोर्ट ने बीएड स्टूडेंट को काउंसलिंग से अलग कर दिया, हटा दिया काउंसलिंग से। और जिसके अगेंस्ट में हमारे जो स्टूडेंट थे बीएड स्टूडेंट जिनकी तरफ से मैं आज कोर्ट में अपीयर हुआ, वो लोग उसमें पार्टी नहीं थे। तो इस केस में हमने परमिशन टू फाइल SLP सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया और ये मैटर कल हमने बहुत मुश्किल से कल इसको फाइल किया और आज वो मेंशनिंग करके लगवाया, इसको आज मैटर लगा था आइटम नंबर 54। और कोर्ट ने सारी चीजें ऑब्जर्व करी, हमारा ये आर्गुमेंट भी, हमने ये मेंशन भी किया कि जब एक व्यक्ति चाहे IAS का एग्जाम हो या अदर एग्जाम हो उसमें एक BA स्टूडेंट भी कर सकता है, MA स्टूडेंट भी, PhD वाला भी, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू जॉब करना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू जॉब, वो जो राइट टू एम्प्लॉयमेंट। तो हमने ये बोला कि इस केस में ये जो मैटर है, इस मैटर में जो जजमेंट आया है वो 2023 का आया और 2018 से लेकर 2023 तक बहुत सारे स्टेट ने नोटिफिकेशन निकाले हैं जिसमें कि बीएड स्टूडेंट बैठे हैं और एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हुए हैं और सेलेक्ट होने के बाद उनका जो काउंसलिंग होती है उसमें रोक दिया गया, जबकि ये जजमेंट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये ऑर्डर पास किया है कि जितने लोग एग्जाम में बैठे हैं, जितने बोर्डों की काउंसलिंग कल होनी है, क्योंकि 30 तारीख को काउंसलिंग है 30 अगस्त को, उनको बैठने दिया जाए। और हाईकोर्ट को ये डायरेक्शन दिया है कि हाईकोर्ट उनको जो स्टेट को इंडक्शन दिया गया कि जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जितने लोगों के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उनमें ये क्लॉज डाला जाए कि जो भी उनके अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो आउटकम ऑफ द हाईकोर्ट जजमेंट में माने जाएंगे, क्योंकि मैटर हाईकोर्ट में पेंडिंग है। अब हाईकोर्ट का जजमेंट अगर बीएड स्टूडेंट के फेवर में आता है
तो बीएड जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो कैंसिल होकर बीएड स्टूडेंट जो लोग काउंसलिंग में आए हैं उन सबका सिलेक्शन हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज है बीएड स्टूडेंट के लिए। और कन्याकुमारी से बंगाल की खाड़ी तक जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2018 से 2023 तक का एग्जाम दिया है और जिनका नोटिफिकेशन आया वो सारे लोग जो है इस एग्जाम में आने वाले फ्यूचर में बैठेंगे, उनका सिलेक्शन होगा। क्योंकि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता और ये मैटर जो और जजमेंट है ये गलत जजमेंट है, इसको रिफर किया जाए 3 जज बेंच को या 5 जज बेंच को, ये भी हमारी प्रेयर थी। और फाइनली ये मैटर इश्यू नोटिस हो गया है और हाईकोर्ट डिसाइड करेगी इसको। और जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें ये क्लॉज डाल दिया जाएगा कि आपका अपॉइंटमेंट जो किया जा रहा है वो अपॉइंटमेंट एक टेम्पररी अपॉइंटमेंट किया जा रहा है जब तक कि हाईकोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता। और ऑलरेडी जो हमारे स्टूडेंट हम क्योंकि पिटिशनर थे नहीं वहाँ, रिस्पॉन्डेंट नहीं थे, तो हमें स्टेट को जो पिटिशनर थे उनको डायरेक्शन दे दिया गया कि जितने भी रिस्पॉन्डेंट यहाँ पर हैं उनको पार्टी बनाया जाए। तो ये भारत के जितने भी स्टूडेंट हैं 2018 से लेकर 2023 तक का उनके लिए बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज है। तो ये सुना आपने, जो विद्यार्थी पुराने हैं यानी 2018 से लेकर के 2023 तक 11 अगस्त के पहले तक जिनका चयन हुआ है उन छात्रों के लिए खास तौर से काफ़ी राहत की बात हो सकती है। आप लोगों ने सुना होगा कि वकील साहब ये जो सुप्रीम कोर्ट के हैं ये क्या कह रहे हैं कि जो भी ऑर्डर है वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता है, यानी कि पीछे से लागू नहीं हो सकता है। और चूँकि ये जो क्वेश हुआ है जीगो ये 11 अगस्त को क्वेश हुआ है और इस तरीके से उन्होंने बताया आज की बहुत सारे राज्यों में शिक्षक भर्तियां हुई हैं, कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर से गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। और चूंकि सबसे बड़ी जो समस्या थी, सबसे बड़ी जो टेंशन थी वो 69,000 शिक्षक भर्ती और जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी भी नौकरी चली जाए। और अगर वहीं पे हम लोग बात करें कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जिन विद्यार्थियों को बाहर कर दिया उनका क्या होगा, तो ये पीछे फोटो देख सकते हैं, ये देवेश शर्मा है और उनमें ये क्लॉज डाला जाए कि जो भी उनके अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो आउटकम ऑफ द हाईकोर्ट जजमेंट में माने जाएंगे। क्योंकि क्या रही है और बहुत जल्द याचिका पड़ेगी, अभी समीक्षा याचिका पड़ेगी, देखते हैं क्या होता है। और साथ में अभी तो चूंकि G20 हो रहा है दिल्ली में, तो 10 तारीख के बाद 12 तारीख के आसपास दिल्ली में धरना प्रदर्शन भी होगा। सरकार पर भी दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से सरकार इसमें कुछ करे, चाहे वो अध्यादेश के माध्यम से हो या किसी भी तरह से हो, बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। इसको लेकर के प्रयागराज में भी धरना प्रदर्शन की जानकारियां निकल करके आ रही है, साथ ही साथ बालसन चौराहे पर 5 तारीख को धरना प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बीएड के छात्रों के लिए आज एक अच्छी खुशखबरी आई है। काफी दिनों बाद 11 अगस्त से जब यह ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आया था तब से कोई भी अच्छी खबर बीएड के छात्रों के लिए नहीं निकल करके आ रही थी। हमेशा निगेटिव सूचनाएं आ रही थी कि इधर की भर्ती हटाया गया, कि उधर की भर्ती हटाया गया, इस काउंसलिंग से बीएड को रोका गया, इसी तरीके की सूचनाएं आ रही थी। और तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।